बता दें, नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं, यानी जिस घड़ी पर पिछले 3-4 दिनों से लगातार अटकलें हो रही थी वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की शर्त मानते हुए पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद समर्थन की चिट्ठी शायद उन्हें सौंपी जाएगी। जो आपने अविश्वास की स्थिति देखी थी, नीतीश कुमार निकल गए हैं इस्तीफा देने, शशि पूरी जानकारी बताएं। देखे अभी सिर्फ इस्तीफा देंगे? बिल्कुल अंजना, देखिए सबसे बड़ी खबर और अंदर हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने कंफर्म किया है, नीतीश कुमार ने जानकारी दे दी कि इस्तीफा देंगे। और अब राजभवन के लिए देखिए ये मूवमेंट हो रहा है, ये कैमरे पर जो लाइव विजुअल है, ये मूवमेंट राजभवन जाने के लिए। नीतीश कुमार ने अंदर बहुत छोटा संबोधन किया है, नीतीश कुमार ने कहा कि अब इस्तीफे का वक्त है, वो राजभवन जा रहे हैं और राजभवन के लिए नीतीश कुमार कुछ करने वाले हैं। इस वक्त देखिए ये मूवमेंट है और हमने सबसे पहले ये जानकारी दी कि नीतीश कुमार ने अंदर क्या कहा। नीतीश कुमार ने कहा अब साथ रहना मुश्किल था, हम अपनी पार्टी के शर्त पे सरकार नहीं चला सकते। ये बड़ी बात नीतीश कुमार ने कही है, अपनी पार्टी के शर्त पे सरकार नहीं चला सकते हैं जना। और ये वो रास्ता है, देखिए आपको दिखाता हूँ, ये वो रास्ता है, नीतीश कुमार यही से होते हुए जाएंगे राजभवन, यही गेट है जहां से उनकी एंट्री होगी और पूरा का पूरा बैरिकेड लगाया जा रहा है इस वक्त यहाँ पे। नीतीश कुमार उस फैसले के साथ उस तरह से जैसे 2017 में गए थे, एक बार फिर से राजभवन जाने वाले हैं अंजना। यानी वो अभी इस्तीफा देंगे हम यही माने, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से समर्थन की चिट्ठी नहीं है शशि, यानी पहला जो पार्ट वन है इस अध्याय का उसमें वो इस्तीफा देकर आ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी से समर्थन की चिट्ठी। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार चंद मिनटों में इसी कैमरे के फ्रेम पे निकलेंगे अंजना और जाएंगे इस्तीफा देने के लिए, ये पक्की खबर है। अंदर उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है जी, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। मतलब ये जो अध्याय चल रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में, उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा था मुझे लगता है आरजेडी के लिए, तेजस्वी के लिए, ये वो मुश्किल घड़ी है जिससे वो डर रहे थे, लेकिन वो घड़ी आ गई है। नीतीश बाबू निकल रहे हैं, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, अलायंसेस बनेंगे अलायंसेस बदलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे, यही तस्वीर बिहार की फिर से उभर कर आ रही है शशि। बिल्कुल यही तस्वीर है। और देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे लाइव में कहा था कि 2017 का पैटर्न क्या है, वही स्क्रिप्ट फिर से दोहराई जा रही है। नीतीश कुमार निकलेंगे, राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफे के बाद लौटेंगे तो वापस एनडीए के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी, एनडीए के तमाम नेता यही मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, उसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद आज शाम ही उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा। एकदम सब कुछ तय है। जो कंफ्यूजन की बातें थी उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, हम पिछली जानते बार शशि पिछली बार जब 8 अगस्त 2020 को उनका गिरी साहब की पार्टी के साथ ब्रेकअप हुआ था तो भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई थी, इस पूरे इलाके में आरजेडी के समर्थकों का भारी हुजूम आ गया था। आज बीजेपी वाले दिख रहे हैं, जेडीयू वाले दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? देखिए आरजेडी जब सत्ता में आती है तो सड़क पे उनके समर्थक दिखते हैं, आज आरजेडी सत्ता में नहीं आ रही, आज सन्नाटा है। थोड़ी देर में यहाँ जय श्री राम के नारे लगेंगे, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ ये बात, क्योंकि उसकी भी तैयारी है। लेकिन हाँ, इस वक्त चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ रहे हैं और बहुत सिस्टम के साथ आते हैं, नीतीश कुमार बहुत स्मूथ रन करते हैं पॉलिटिकल वे पे, और 2017 का रास्ता एक बार फिर उन्होंने अपनाया 2024 के जनवरी में, 28 जनवरी ये तारीख है अंजना, जो नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने और उनके शपथ ग्रहण की तरफ आगे बढ़ रहा है अंजना। बिल्कुल, और वो घड़ी करीब है जब वो निकलेंगे नीतीश कुमार। मैंने वाजपेयी जी की लाइनें कही थी कि सरकारें आएंगी सरकार ये जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, लेकिन नीतीश बाबू के लिए दिखाइए शशि, दिखाइए जी। बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो पूरा रास्ता है ना, ये राजभवन गोलंबर है अंजना, आपने कई बार यहाँ से आके ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, आपको मालूम है। दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये राजेंद्र चौक है और ये गवाह रहा है सियासी हलचलों का। नीतीश कुमार इसी रास्ते से निकलते हैं और हर बार राजभवन जाते हैं और साथी बदल देते हैं। इस बार देखिए तैयारी कितनी है, मैंने रात में खबर बताई थी कि बैरिकेड्स बड़ी संख्या में मंगाए गए हैं
और वो बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस बैरिकेडिंग के इसी तरफ से, जिस तरफ हम खड़े हैं ना, इसी तरफ से उनका काफिला निकलेगा। अंदर सारी मूवमेंट की तैयारी हो गई है, बाहर रास्ता तैयार है, नीतीश कुमार निकलेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। जो ये राजभवन का गेट है, ये दरवाजा खुलता है नीतीश कुमार के नए साथियों के लिए, सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं, नीतीश कुमार के नए साथी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अंजना, बिल्कुल, ये जो दर्शक हमारे जुड़ रहे दिखाई, देखिए ये राजभवन है और बिल्कुल सामने वहीं पर गोल चक्कर की दूसरी तरफ सीएम आवास है, तो बहुत ज्यादा दूरी उन्हें तय नहीं करनी है, तुरंत वहां पर पहुंचेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन बात वही हो रही थी कि वाजपेयी जी ने एक वक्त पर कहा था कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए फिट बैठता है कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, अलायंसेस टूटेंगी अलायंसेस बनेंगी, लेकिन ये कुर्सी रहनी चाहिए। और नीतीश कुमार फिलहाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन इसी नींव पर कि बीजेपी से फिर समर्थन की चिट्ठी आएगी, और बीजेपी फिर समर्थन की चिट्ठी देने के लिए कितनी तैयार है, शशि जो भी जानकारी है दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब से कुछ ही क्षणों में अपने आवास से इस्तीफा देने के लिए निकलेंगे। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं नीतीश कुमार, रवाना हो गए हैं। जैसे ही उनका कैवलकेड दिखता है, दिखाइएगा शशि, बताइए। बिल्कुल, कैमरे की नजर पे अंजना, और लगातार सबसे कह सकते हैं कि सबसे अच्छा फ्रेम भी आज तक के कैमरे का है, जहां से हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार अब बीजेपी के लोगों के साथ बैठेंगे, बीजेपी ने अपने स्तर से क्या तैयारी की है, हमारे सहयोगी हिमांशु भी वहां है, शायद वो वहां से नजर रखें बताएं। लेकिन थोड़ी देर में बीजेपी नेताओं की एंट्री यहां हो जाएगी मुख्यमंत्री आवास पे, इसकी भी तैयारी है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री आवास में जब तमाम नेता आते हैं या कोई भी जब आता है, तो उसकी एक लिस्ट होती है, तो पहली लिस्ट सिक्योरिटी के पास पहुंच गई है उन नेताओं की जो बीजेपी की तरफ से आएंगे मुख्यमंत्री आवास में। उसके बाद विधायकों को बुलाया जाएगा, जो प्रक्रिया है उसी तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। बहुत ज्यादा हलचल भरा दिन आज रहने वाला है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी अप्रत्याशित राजनीति से एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। अंजना, पता नहीं लोग कितना चौंक रहे होंगे, नहीं चौंक रहे होंगे शशि, मुझे तो शक है इस बात पर, लेकिन बीजेपी भी समर्थन की चिट्ठी देने को तैयार है। आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए, हिमांशु छोटा सा एकदम रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि आज सारा एक्शन अभी यहीं पर है, इसी चौक पर है जहां से अभी सीएम आवास से वो निकलेंगे। क्योंकि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार कर लिया, यही हाल है इस रिश्ते का जो जेडीयू और बीजेपी के बीच में है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये वो रिश्ते हैं जो टूटते और बनते रहते हैं अंजना, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही वो इस्तीफा देंगे, सभी विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हैं, और यहां से समर्थन पत्र की चिट्ठी जो है वो नीतीश कुमार के पास चली जाएगी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, वहां एनडीए के विधायकों की बैठक होगी, और वहां पर नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए का विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, और नौवीं बार शपथ के लिए वो अपनी दावेदारी जो है राज्यपाल के पास पेश करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल।